अब मैं एक आखिरी मैसेज आपको देके जाता हूं। देखिए, दौलत एक लालच नहीं होती। आपको लगता है आपको लालच दिया जा रहा है, नहीं, आपको एक समझ दी जा रही है, समझ रहे हैं, समझ आपको एक सेंस दी जा रही है जीवन को जीने की। दौलत लालच नहीं होती, खाता आदमी दो रोटी, समझ रहे हो मेरी बात, खाता आदमी दो रोटी है, पहनता दो जोड़ी कपड़े, और हर आदमी को अपने में पेट भर जाता जितने आपने आपका। पर दौलत कमाना क्यों जरूरी होता है? कहते हैं किसी की भलाई भी करनी है तो भी दौलत चाहिए, किसी गरीब की शादी करानी है तो भी दौलत चाहिए, और अपने माँ बाप को खुशियां देनी है तो भी दौलत चाहिए, और अपने बीवी बच्चों को खुशियां देनी है तो भी दौलत चाहिए। तो दौलत के बारे में कहावत है मेरे दोस्त कि मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा अपनी चाहतों को पूरी करने का एक माध्यम होता है इस जीवन में। जीते जी मरने के बाद ना मुझे चाहिए ना आपको चाहिए, क्योंकि मरने के बाद ना मेरी बीवी मेरे साथ होगी, ना मेरी औलाद मेरे साथ होगी, ना माँ बाप मेरे साथ होगी। मरने के बाद मुझे किसी की जवाबदारी नहीं होती, तो मरने के बाद ना दौलत किसी को चाहिए थी ना चाहिए, लेकिन जीते जी जीने के लिए दौलत की जरूरत होती। तो दौलत एक लालच नहीं है। प्लीज कभी ऐसा ना समझे कि इस प्रोग्राम में जितने भी भाई लोग आप आए ये सोचे कि यार यहाँ पर तो लॉलीपॉप टॉफी वाली बात कर रहे हैं, चॉकलेट जैसी बात कर रहे हैं, हमें पटा रहे हैं, हमसे काम करा रहे हैं। अरे भैया, हमें ना तो तुम्हें पटाना ना तुमसे काम कराना, बिल्कुल भी मत करना काम, बिल्कुल भी मत देना मेरी कंपनी में 5 रुपए। मुझे ना आपके 5 रुपए चाहिए, ना मुझे आपका काम चाहिए। आई एम सो सेटिस्फाइड पर्सन इन माई लाइफ। परमात्मा की दया से बहुत करोड़ों लोग हैं मेरे साथ जो आने वाले हैं, और लाखों हैं आज मेरे साथ हैं। लेकिन मैं आपको एक समझ जरूर देके जाता हूँ, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है, और चाहते जब तक इंसान की होती है जब तक वो जीता है, मरने के बाद कोई चाहत नहीं है ना। तो लोग कहेंगे तू लालची हो गया, तू कंपनी के प्रोग्राम में गया, तू नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा है, तू नौकरी के साथ साथ ये काम कर रहा है, तू 16-16 घंटे काम कर रहा है, तू पागल हो गया, तू बेवकूफ हो गया। ये वो लोग हैं जिन्हें चाहत की कोई वैल्यू नहीं है, जिन्हें पता नहीं है जीवन की वैल्यू क्या होती है और किसी के इमोशंस की वैल्यू क्या होती है। मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूं, समझना, मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूं कि मैं 20 घंटे रोज काम करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मेरे माँ बाप को अच्छा घर देना चाहता हूं, अच्छी गाड़ी देना चाहता हूं, अगर वो बीमार हो जाए तो उनका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहता हूं। मैं इसलिए 20 घंटे काम करता हूं, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक आवाज में बताना, यह मेरी चाहत है या मेरा लालच है? क्या इसमें लालच है? क्या माँ बाप की सेवा करना लालच है? माँ बाप को गाड़ी ला के देना लालच है? और अगर ये लालच है तो ऐसा लालच हर औलाद को पालना चाहिए। क्या समझ पा रहे? मैं इसलिए मेहनत करना चाहता हूं, 20 घंटे सिर्फ इसमें काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो जिंदगी अपने बच्चों को नहीं देना चाहता जो मुझे मिली। मैं वो कार चाहे पढ़ाऊंगा, जो चाहे कोर्स करूंगा, अगर 5 करोड़ उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए लगे तो मैं लगाऊंगा। मैं इसलिए चाहता हूं कि मेरा बेटा कभी नौकर ना बने, जीवन भर मालिक रहे, इसलिए मैं 20 घंटे करना चाहता हूं। क्या ये चाहत है या लालच है? और अपनी औलाद की खुशियां अगर लालच है तो ऐसा लालच सबको पालना चाहिए। मोटिवेशन नहीं है, ये समझ है यार। मैं गधा नहीं हूं, 24 घंटे काम करता हूं, कोई 2 रोटी खाता हूं, लेकिन मुझे पता है उनकी चाहतों के लिए मुझे काम करना है। अगर एक आदमी के शहीद होने से देश बचता हो तो शहीद हो जाना चाहिए। अगर एक आदमी के मेहनत करने से पूरे परिवार में खुशी आती हो, माँ बाप खुश रहते हो, बीवी बच्चे खुश रहते हो, तो साला खुद को भट्टी में झोंक देना चाहिए। मेरे दुख से अगर सबको सुख मिलता है तो मैं मेहनत का दुख लेने के लिए तैयार था, तैयार हूं और तैयार रहूंगा। आप में हिम्मत की कमी नहीं है, आप में चश्मे की कमी नहीं है, समझ की कमी है, समझ की कमी है। क्योंकि हिंदुस्तान में सारे डायलॉग भी ऐसे बना, बेटा उतनी चद्दर फैलाना, क्या कहते हैं, उतने पैर फैलाना जितनी चद्दर हो। अब साला अगर पैर लंबे लेके पैदा हो गया तो अब क्या काटू? मैं तो भाई को आगे फैलाऊंगा और चद्दर बढ़ाऊंगा। चद्दर बढ़ाने पे ध्यान दो, पैर फैलाने पे ध्यान मत दो। मेरे डायलॉग मारते हैं, अरे क्यों दौलत के पीछे भाग रहे हो, ये दौलत तो टेंशन देती।
किसके खत्म हो गए? पैसे से सुख। पैसे कभी सुख छीनता नहीं दोस्त, पैसा सुख देता है। फिर एक डायलॉग मारते हैं, अरे सिकंदर को देखो, खाली हाथ आया था, पूरी दुनिया जीत ली, मरते टाइम अपने हाथ बाहर निकाल दिए और बोला दुनिया को दिखाना कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा। तो साले मरते हुए कौन जगवार की चाबी लेके जाता है? अरे सिकंदर मरा तो सबने उसके खाली हाथ देखे, पर जब जिया तो उसके भरे हुए हाथ क्यों नहीं देखते? अरे जीना राजा की तरह, मरने के बाद तो बाहर में जाए सारी जिंदगी, फिर क्या है? जब जिंदगी नहीं है तो फिर पैसे का क्या करना है? बात समझ आ रही है? अपनी जो इमोशंस होते हैं, जो आपके अपने परिवार के प्रति, इनको पूरा करने में हिम्मत लगती है, मेहनत लगती है, जज्बा लगता है, पागलपन लगता है, जनून लगता है, दिल लगता है, पूरी पूरी रात लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। आसान नहीं है जिंदगी बदलना, आसान नहीं है। आसान होता तो कोई भी बदल लेता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी मेहनत से लोग पीछे हट जाते हैं। कहते हैं दुनिया में दो तरह का दुख है और दो तरह का सुख है। मैं कई बार बताता हूं, पहली बार जो सुन रहे हैं उनके लिए, एक शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख। इसी तरह सुख है, शारीरिक सुख और मानसिक सुख। दुनिया में मुझे एक आदमी दिखा दो, एक आदमी जो सेलिब्रिटी है, पैसे वाला है, कामयाब है, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, विराट कोहली, महेंद्र धोनी, अमित शाह, मोदी, राहुल गांधी, हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी, कोई एक आदमी जो 16 घंटे आराम करता है, एक आदमी। दुनिया में जिसने शरीर को कष्ट दिया है ना, उसको ही मानसिक सुख मिला है। सोच के देखो, आईपीएल देखते हो, यहां पर मैच हुआ, विराट कोहली ने 100 रन बनाए, शाम को फ्लाइट पकड़ी, बैंगलोर गए, सुबह प्रैक्टिस करी, फिर मैच हुआ, फिर 100 रन बनाए, फिर अगले दिन फ्लाइट पकड़ी। क्या ये अपने घर रहते हैं रोज? क्या कोई भी कामयाब आदमी अपने घर रहता है रोज? क्या मोदी रहता है, अमित शाह रहता है, राहुल गांधी रहता है, कोई रहता है क्या? कामयाबी और नाकामयाबी का अंतर इतना सा है भाई। जो शरीर को दुख देना जानता है, शरीर को चला सकता है, शरीर को तपा सकता है, वो एक खूबसूरत जिंदगी जी सकता है। शारीरिक दुख, मानसिक सुख, बात समझ आ रही है? लेकिन ये जो शरीर को दुख देते हैं ना, इन्हें मानसिक सुख किस चीज का है? अगर महेंद्र सिंह धोनी बैंगलोर से चेन्नई जाता है तो जुगाड़ में नहीं जाता, छुक छुक में नहीं जाता, अच्छे प्लेन में जाता है। जब वह रुकता है ना तो किसी घर में नहीं रुकता, 7-स्टार होटल में रुकता है। जो खाता है मर्जी का, पहनता है मर्जी का, जो शरीर को दुख देता है ना, वो मर्जी की जिंदगी जीता है, और जो शरीर को दुख नहीं देता, वो मजबूरी की जिंदगी। कुछ नहीं बनाना, कंपनी संपनी सब काम हो जाएगा। अपने आप से लड़ो, शीशा देखो, खुद से लड़ाई लड़ो। अगर शरीर को कष्ट देने को तैयार हो तो जिंदगी तुम्हारे कदमों में होगी। भाई तुम्हारे गांव में ताश खेलने वालों को करोड़पति बना आज तक? हाँ, फिर पूरे दिन गवर्नमेंट को कोसते, मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ किया। हाथों ने तो सुबह से शाम तक साले पहाड़ तोड़ लिया, 5 बार सीट खेल लिया। हाँ, सरकार कुछ नहीं करती है, निकम्मों का काम है। जो सरकार से करवाना चाहते हैं वो निकम्मे हैं, और जो कर्मठ है ना वो तो सरकार के लिए कुछ करते हैं। भाषण में आ रही है? अब ये तुम्हारे ऊपर है कि शरीर को दुख दोगे या नहीं दोगे। और वैसे भी इसका कुछ हिस्सा नहीं है, मैंने आज तक सुना नहीं कि मेहनत करने से कोई मर गया। हाँ, ये जरूर सुना है कि टेंशन बहुत लेता था, कैंसर हो गया, साला फिर। और टेंशन किस चीज की है? अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बेटी जवान हो गई, उसकी शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना है, बेटे की नौकरी नहीं लगी। हाँ है ना? अगर टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हो तो शरीर को कष्ट देना सीखो, जाओ 10 साल को भट्टी में और अपने परिवार को खुशियां दे दो।
अपने भी बच्चों से प्यार करते हो नहीं? yes! करते हो? yes! कितना करते हो? टाइम बताना, 5 मिनट चाहिए। कितना करते हो? बहुत करते हो?